एक्साइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। टीवी टाउन इंडस्ट्री में कुछ एक ऐसी हलचल मची हुई है जिसे लगातार हम कवर कर रहे हैं और लगातार आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दरअसल हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे को लेकर जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उस चेहरे ने हर किसी के दिल में अपनी जगह को बेहद ही खास तरीके से बनाया है। वो चेहरा और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा है, यानी कि श्वेता तिवारी का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से श्वेता तिवारी को उनकी दूसरी शादी में भी वो मोहब्बत वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके लिए उन्होंने राजा चौधरी को छोड़ा था। श्वेता तिवारी की जिंदगी भले ही आप सभी को दूर से चमकती हुई दिखाई देती हो, मगर इस चमकती हुई उनकी जिंदगी के पीछे कितना कालापन है ये अब आपको समझ आ रहा होगा। हम चाहे टीवी इंडस्ट्री की बात करें या फिर बी टाउन की बात करें, यकीनन इन सितारों की जिंदगी आपको टेलीविजन में बड़े पर्दे पर काफी ही चमकती हुई दिखाई देती है, मगर उन सितारों की जिंदगी असल जिंदगी में उतनी चमक है या नहीं ये बाद में असलियत बयां करती है। कुछ ऐसा ही प्रेरणा यानी कि श्वेता तिवारी के साथ हो रहा है। श्वेता तिवारी की जिंदगी में पहले राजा ने कदम रखा, मगर वो सम्मान वो प्यार वो इज्जत उन्हें उनसे नहीं मिल पाई। और राजा जो है, कहा ये जाता था श्वेता की तरफ से कि उनके साथ घरेलू हिंसा किया करते थे, मारपीट तक का आरोप भी लगाया गया। अब ऐसे में श्वेता तिवारी ने जब दूसरे शख्स को अपनी जिंदगी में जगा दी, यानी कि जब अभिनव कोहली को उन्होंने अपनी जिंदगी में जगा दी, तब अभिनव कोहली भी कुछ सालों के बाद राजा के नक्शे कदम पर चलने लगे। जिस प्यार की तलाश में श्वेता ने अभिनव से शादी की थी, जिस सम्मान के लिए अभिनव को उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चुना था, हालांकि अभिनव और श्वेता का एक बेहद ही प्यारा बेटा भी है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते दौरान अभिनव कोहली जेल में थे, मगर अब वो है उन्हें जो है जमानत मिल गई है और अभिनव कोहली बाहर आ गए हैं। जैसे ही अभिनव बाहर आए, उन्होंने तमाम बातचीत को रखा, तमाम चीजों को कहा और तमाम खुलासे भी किए। ऐसे में अभिनव कोहली यहाँ पर श्वेता तिवारी को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अभिनव कोहली धमकी देते हुए श्वेता तिवारी को देखे गए। यहाँ पर अभिनव ने साफ शब्दों में कहा है, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इन चीजों से उभर पा रहे हैं, तो यहाँ पर अभिनव कोहली साफ शब्दों में कहते हैं कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये स्टेटमेंट अभिनव कोहली का कहीं ना कहीं श्वेता तिवारी पे है, और यहाँ पर साफ तौर पर श्वेता तिवारी की मुश्किलें अभिनव बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी कहेंगे। और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभिनव जब से जमानत से बाहर आए हैं, तब से अभी तक जितने उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, उन तमाम स्टेटमेंट में वो कोई भी चीज खुल के नहीं कह रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में वो तमाम बातों को रख रहे हैं। पलक की तरफ से जो आरोप उन पे लगाए गए हैं, हालांकि उन आरोपों पर अभी तक अभिनव ने चुप्पी को साधा हुआ है। उन्होंने ना तो ये कहा है कि ये जो आरोप पलक लगा रही हैं वो गलत है या वो सही है। अभी ये काफी शॉकिंग देखा गया कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पलक का जिक्र नहीं किया, जिस गंभीर आरोप में वो जो है जेल गए थे, उन चीजों को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और साफ तौर पर ये स्टेटमेंट दे दिया कि अब श्वेता तिवारी के साथ जो है, श्वेता चाहती है कि वो उनसे तलाक ले ले और जो है अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात रहेगी, जहां पर जमानत पे बाहर आ गए हैं अभिनव कोहली और श्वेता की दिक्कत बढ़ गई है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि लग रहा है कि श्वेता तिवारी जो है अभिनव को अब तलाक देंगी, वो अब आगे की जिंदगी उनके साथ नहीं बिताना चाहती है। खैर, ये मामला अब कौन सा नया रुख लेगा, यहाँ पर साफ तौर पर अभिनव के इंटरव्यू से हमने आपको रूबरू करवाया किस तरीके से अभिनव जो है यहाँ पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि अभिनव का ये स्टेटमेंट किस और इशारा कर रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।